And welcome to the online session. Today we will do the NCERT exercise question of the chapter motion. So in your exercise, the first question is, an athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Means जब athlete चलता है ये circular track, तो वो एक round जो complete करता है diameter जिसका 200 meter है 40 second में. One round 40 second में. What will be the distance and displacement at the end of 20 minutes 20 seconds? तो 20 minute 20 seconds के बाद उसका displacement क्या होगा और distance क्या होगा? Right? तो one round is in 40 seconds. अब उसने time कितना लिया? 20 minute 20 seconds. इस पूरे को convert करिए in second में. तो 20 into 60 plus 20 ये हो गया 120 plus 20 that is 140 second. 140 second means 40 second one round, next 40 second second round, next 40 second third round. अब कितने बचे? 20 second means half round. तो टोटल वो 140 सेकंड में 3.5 राउंड लेता है. अब डायमीटर इसका जो गिवन है दैट इज 200 मीटर इज डी. तो रेडियस कितना हो जाएगा? डी बाय 2 दैट इज 100 मीटर. अब डिस्टेंस होता है आपका टोटल डिस्टेंस जितना उसने चला means 3.5 round. One round distance होगा इसका. एक round जो आप ले रहे हैं वो आपका होता है circumference. एक round means circumference. Circumference का formula होता है 2 pi r. तो distance one round का distance हुआ 2 pi r. तो 3.5 round का distance कितना हुआ? तो total distance आपका हो गया 3.5 राउंड का डिस्टेंस. उसने कितना चला? दैट इज 3.5 इनटू 2 पाई आर व्हिच इज इक्वल्स टू 3.5 इनटू 2 इनटू 22 बाय 7 इनटू आर. आर भी यहां पे कैलकुलेट किया था दैट इज 100. 7 को 1 जा 7 5 मल्टीप्लाई दिस होल 44 into 50 that is 5 4 20 22 0 meter. ये आपका आ गया total distance. ये आपका आ गया distance. 3.5 round में उसने इतना distance cover किया. अब displacement क्या होता है? Shortest distance. For example, अगर ये इसका starting point है तो उसने कितने round लिए? One round, then 2 round, then 3 round and a half more. Half more मतलब यहाँ वो पहुँचेगा. That is उसका final. तो start उसने इस जगह से किया, finally वो यहाँ पहुँचा, तो shortest distance क्या हो गया उसका? Displacement क्या हो लेगा? Shortest distance उसका diameter. Displacement हो गया ये सबसे छोटा distance. और diameter किसके बराबर है? That is 200 meter. तो उसने displacement cover किया 200 meter और distance cover किया 2200 meter. So this is the whole question, distance and displacement at the end of 20 minute 20 second. Now our second question is, Joseph jogs from one end A to other end B, from A to B of a straight 300 meter road. This A to B is 300 meter in 2 minute 50 second. A से B तक उसको जाने में 2 minutes 50 second लगते हैं. And then turns around and jogs 100 meter back. वापस आता है यहाँ से, B से वापस आता है 100 meter, C तक पहुँचता है in another 1 minute. B से C तक आने में उसको 1 minute लगते हैं. What are the Joseph average speed and velocities in jogging? Joseph की average speed क्या है और average velocity क्या है jogging के में from A to B and A to C. तो सबसे पहले हम लेंगे A to B, then average
स्पीड. अब जब स्पीड का वर्ड आता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो जोसेफ को ए से बी तक जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने, 300 मीटर. और टोटल टाइम उसको कितना लगा, 2 मिनट्स 50 सेकेंड. अब इस पूरे को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. तो 2 मिनट्स मीन्स 2 × 60 + 50 दैट इज 120 + 50 दैट इज 5 × 170. तो ये हो गया आपका 300 मीटर अपॉन 170 सेकेंड. यू कैन लीव इट एज इट इज और कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल. नाउ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, जब वेलोसिटी का टर्म आता है तब आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का. स्टार्ट उसने ए से किया, पहुंचा बी तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 300 है. इनिशियल जीरो से स्टार्ट किया था, 300 तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 300 ही है और टाइम भी इसका 170 है. तो ये भी आ गया 30/17 मीटर पर सेकेंड. नाउ फॉर ए टू सी, ए टू सी के लिए एवरेज स्पीड, अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ए से बी तक गया ए बी, फिर बी से सी वापस आया बी सी, और टोटल टाइम अगेन उसको कितना लगा, यहां से यहां तक जाने के लिए उसको लग रहा था 170 सेकेंड, और वापस आने में उसको लगा 1 मिनट और यहां से. तो इसका मतलब इसमें ऐड हो गया 60 सेकेंड मोर. 300 यहां से यहां तक जाना बी सी हो गया, अगेन बैक उसने 100 मीटर लिया, तो ये हो गया 300 + 100, और टाइम उसका हो गया टोटल 230, दैट इज 400/230, अगेन कैंसिल, 40/23 मीटर पर सेकेंड. नाउ एवरेज वेलोसिटी ए टू सी, अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये स्टार्टिंग था एंड उसका ये हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 200. टाइम उसको कितना लग रहा है, टोटल टाइम उसका कितना हुआ, यहां से यहां जाना और वापस आना डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, अगेन ए टू बी गया एंड बी से सी वापस आया, तो इन स्टॉप करना, टोटल टाइम इज अगेन 230. This is 20/23 meter per second. So first is this one, average speed, this one, average velocity A to C is this one. So this is your question. जब भी average speed निकालते हैं तो total distance upon total time लेते हैं, और जब भी average velocity निकालते हैं तो total displacement upon total time लेते हैं. Displacement होता है shortest distance, जहां से स्टार्ट किया और जहां खत्म हुआ उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया 200. टोटल डिस्टेंस यहां से बी तक गया, बी से सी वापस आया, यहां से यहां तक 300 से वापस ही आया, 100 मीटर पीछे आया, तो दैट इज 400. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जस्ट सी द वर्ड, on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. जहाँ पर भी square आता है ये हो जाता है acceleration for 8 second. How far means distance does the boat travel during this time? So a boat is starting from rest. जहाँ पर भी rest word आए वहाँ पे u हो जाता है हमारा 0. On a lake accelerate in a straight line to a constant rate. तो एक्सेलरेशन इज गिवन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां पर स्क्वायर हो वो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, फॉर 8 सेकेंड. टाइम इज गिवन
एट सेकेंड. सी द यूनिट, यहाँ सेकेंड है, यहाँ सेकेंड है, ये मीटर है, तो नो नीड टू कन्वर्ट द यूनिट. हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, फार मीन्स डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस से लिखते हैं. अब इन द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस. यू हैव टू फाइंड आउट कि विच इक्वेशन इज सूटेबल इनफ. T गिवन है, A गिवन है, U गिवन है, विच विल फर्स्ट यूज करेंगे तो V नहीं है हमारे पास. S किस में आता है, सिर्फ इन दो में, तो यही दो यूज कर सकते हैं. अब सेकेंड इक्वेशन में U वी नो, T वी नो, A वी नो, सो सेकेंड इक्वेशन, सो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. S U इज जीरो, जीरो इंटू टाइम इज एट प्लस वन बाय टू, ए इज थ्री, टाइम इज एट, एट का स्क्वायर, ऑलवेज ये रिमेंबर रखिए, इसका स्क्वायर करना होता है. जीरो इंटू एट इज जीरो, वन बाय टू इंटू थ्री, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, कैंसल एट थर्टी टू, देन जीरो प्लस नाइन्टी सिक्स, आंसर इज 96. At the end, you have to write the unit meter. So, distance usne kitna travel kiya? 96 meter. So, if anything which is stated as from rest, foreign U0, acceleration given hai, or time bhi given hai. So, you have chosen second equation, start from the second equation, substitute all the values and get the result. That's it for today. In the next session, we will do the remaining questions, question number 3, 5, 6 and so on. So, practice these questions thoroughly in your notebook. Thank you and have a nice day.